हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर, और मैं हूँ आयुषी। तो चलिए आज बात करते हैं अपने ए टू जेड इडियम्स की सीरीज़ की, ई लेटर की। इससे पहले मैंने आपको डी तक करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर ही विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज ई लेटर्स के वर्ड को स्टार्ट करते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईडियम्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास एंड इन स्मॉक। एंड इन स्मॉक का मतलब क्या होता है? नो रिज़ल्ट, यानी कि सब कुछ बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का कोई रिज़ल्ट ना आना। एग्ज़ाम्पल देखिए, ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। उसके सारे एफर्ट्स क्या हो गए? सब कुछ मिट्टी में मिल गए, सब कुछ बर्बाद हो गए, बेकार हो गए, यानी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईज समबडीज माइंड। ईज समबडीज माइंड का मतलब क्या होता है? सूद समवन एंगजाइटीज़। सूद समवंस एंगजाइटी, यानी कि किसी की परेशानी को कम करना, किसी को शांत करना। एग्जाम्पल देखिए, आई विल ईज हिज माइंड बिकॉज आई हैव द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। मैं उसे शांत कर दूंगा, उसकी परेशानी को कम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो ईज समवंस माइंड का क्या मतलब हुआ? किसी को शांत करना जब कोई परेशान है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई टू आई। आई टू आई का मतलब क्या होता है? आई टू आई का मतलब होता है अग्री विद समवन, किसी के साथ सहमत होना। आई टू आई का क्या मतलब है? अग्री विद समवन, यानी किसी के साथ सहमत होना। एग्जाम्पल देखिए, वी फाइनली सॉ आई टू आई टू इम्प्लीमेंट द न्यू स्कीम। हमने फाइनली एक दूसरे से सहमत हुए हम उस नई स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि उसे लागू करने के लिए हम बिल्कुल लास्ट में जाकर एक दूसरे से सहमत हुए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म का मतलब होता है दोज हु अराइव फर्स्ट गेट द बेनिफिट, यानी कि जो सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे पहले उठते हैं, उन्हें ही क्या मिलते हैं? उन्हें ही सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वन डे यू विल डेफिनेटली अंडर स्टैंड दैट अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। एक दिन तुम ये ज़रूर समझोगे कि जल्दी उठने से कितने फ़ायदे होते हैं, यानी कि किसी काम को पहले करने में कितना फ़ायदा होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ईगल आइज। ईगल आइज का मतलब होता है शार्प विजुअल पावर्स, किसी के पास बहुत तेज नज़रें होना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नेवर हाइड एनी थिंग फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव ईगल आइज। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते क्योंकि मेरी विजुअल पावर कैसी है? बहुत शार्प है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, इनमें समझने वाला ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझाती चलती हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल हमें क्या करना होता है, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। हम इसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ के लिटरल मीनिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई किसी किसी ईडियम का लिटरल मीनिंग होता है, बट किसी किसी का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ईट क्रो। ईट क्रो का मतलब होता है एडमिट अ मिस्टेक, अपनी गलती मान लेना, अपनी हार मान लेना। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द पुलिसमैन आस्क्ड हिम स्ट्रिक्टली ही ईट क्रो। जब पुलिसमैन ने उससे बहुत स्ट्रिक्टली पूछा तो उसने क्या किया? उसने अपनी गलती मान ली, उसने अपनी गलती क्या कर ली? मान ली। नेक्स्ट देखिए, और देखिए मैं एग्जांपल्स के साथ ये इसलिए समझाती हूँ क्योंकि एग्जांपल से हमें जल्दी समझ में आते हैं और हमारे जो डाउट है कि हम इस ईडियम को कैसे यूज़ करें वो भी क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एगोन। एगोन का मतलब होता है प्रोवोक समवन, किसी को भड़काना। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू गॉन मैड वाई आर यू एगिंग हिम ऑन। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम उसे क्यों भड़का रही हो? तो एगोन का मतलब क्या हुआ? किसी को भड़काना। नेक्स्ट देखिए, आई वॉश। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आई वॉश करना। आई वॉश का मतलब क्या होता है? धोखा। क्या होता है? धोखा, धोखा देना। एग्जाम्पल देखिए, वाई डू यू ऑलवेज बिलीव इन आई वॉश। तुम हमेशा धोखा देने में क्यों बिलीव करते हो? तुम हमेशा धोखे में या धोखा देने में क्यों बिलीव करते हो? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स, यानी कि अपने सभी जितना आपसे हो सके आप उतना क्या करें, उतने अपने एफर्ट्स डालें, उतना ट्राई करें। ही एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू टू क्रैक द एग्ज़ाम। उसने अपने सारे
पैंतरे लगा दिए, सारी ट्रिक्स अपना ली अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब क्या हुआ? ट्राई एवरी पॉसिबल मीन। तो ये थे हमारे आज के ई वर्ड के ईडियम्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसमें से बहुत से ईडियम्स ऐसे थे जो आपके पेपर में अक्सर देखे जाते हैं, तो आप उन्हें यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एफ लेटर से रिलेटेड ईडियम्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।